बॉलीवुड में लव अफेयर्स और ब्रेकअप्स की चर्चा तो अब आम सी हो गई है, क्योंकि कभी किसी कपल का ब्रेकअप होता दिखता है तो कभी लव बर्ड्स अपने चोरी चोरी वाले प्यार को लेकर सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं। लेकिन इन लव बर्ड्स को क्या पता कि इनके इस हिडन लव की खबर चुपके चुपके सबको हो जाती है। खैर, हाल फिलहाल तो इन दिनों कृति सैनन और प्रभास का नाम खूब जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आदिपुरुष में नजर आने वाली ये जोड़ी एक दूसरे को डेट कर रही है, और साथ ही ये भी बात हवा में तेजी से फैल रही है कि रिलीज के तुरंत बाद दोनों सगाई भी करने जा रही है। दरअसल इन खबरों को तब और ज्यादा बल मिला जब वरुण धवन ने इशारों इशारों में उनके रिलेशनशिप का हिंट दिया। जी हाँ, एक रियलिटी शो में पहुंचे वरुण धवन ने कृति सैनन को लेकर कहा कि मुंबई से बाहर कोई है जिसके दिल में वो है, वो भी दीपिका के साथ शूटिंग में व्यस्त है। और फिर क्या था, फैंस को अंदाजा लगाते हुए मुश्किल नहीं हुई कि वरुण किसकी बात कर रही है, क्योंकि दीपिका के साथ इन दिनों प्रभास फिल्म प्रोजेक्ट के में काम कर रही है। ये पहली बार नहीं जब वरुण धवन ने कोई हिंट दिया हो। भेड़िया के प्रमोशन के दौरान भी वरुण धवन बातों बातों में कई बार प्रभास और कृति के प्यार का जिक्र कर ही जाते हैं। खैर, उनके फैंस भी काफी ज्यादा खुश हैं इस बात से, लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच इन बातों पर कृति ने भी रिएक्ट कर दिया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, ये ना तो प्यार है और ना ही पीआर। हमारा भेड़िया रियलिटी शो में थोड़ा ज्यादा वाइल्ड हो गया था और उसके मजाक ने हिलेरियस अफवाह फैला दी। इससे पहले के कुछ पोर्टल मेरी वेडिंग डेट अनाउंस कर दे, मुझे बबल फोड़ने दीजिए। सारी अफवाह निश्चित तौर पर निराधार है। आपको बता दें कि कृति सैनन और प्रभास आदिपुरुष में एक साथ नजर आएंगे। ये फिल्म साल 2023 में रिलीज होगी। इसमें सैफ अली खान ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म के टीजर लॉन्च के दौरान इवेंट में भी दोनों की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली थी, जिसके बाद इन अफवाहों को और हवा मिली थी। लेकिन फिलहाल तो कृति ने इन्हें निराधार ही करार दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।